उन्नाव पीड़ित एक्सीडेंट को लेकर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सीबीआई एक्सीडेंट की पूरी घटना को रिक्रिएट कर रही है। इसी छानबीन में यह नया खुलासा हुआ है। दरअसल हादसे के बाद ट्रक मालिक ने कहा था कि ट्रक की ईएमआई जमा नहीं हो पाई है, जिस वजह से फाइनेंस कंपनी से बचने के लिए नंबर प्लेट पर काला रंग कर दिया था, जिससे नंबर ना दिख पाए। लेकिन फाइनेंस कंपनी ने उनके इस दावे की पोल खोल दी है। कंपनी के एजेंट ने कहा कि किसी के ऊपर भी समय से ईएमआई जमा करने का खासा दबाव नहीं था और ना ही किसी के ट्रक ऐसे छीने जा रहे हैं। ट्रक के मालिक ने कहा था कि क्योंकि उनके ट्रक की ईएमआई जमा नहीं हो पाई है, इसलिए फाइनेंस कंपनी के लोग किस्त ना जमा हो पाने के कारण गाड़ी छीन लेते हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाकर नंबर छिपा दिया था। अब फाइनेंस कंपनी ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। एजेंट ने बताया कि ट्रक के मालिक ने एक किस्त जमा नहीं की थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो किस्त जमा करा दी थी। आगे एजेंट ने बताया कि ट्रक के मालिक ने इससे पहले भी उसी कंपनी से कार भी फाइनेंस करवाई है और इस समय भी दो मोटरसाइकिल उसने फाइनेंस करा रखी हैं। किस्त जमा नहीं हो जाने से नंबर प्लेट छुपाने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता 28 जुलाई दिन रविवार को अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ कार से रायबरेली जेल में अपने चाचा से मिलकर वापस लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाची दुष्कर्म मामले में सीबीआई की गवाह थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पीड़िता और अधिवक्ता का लखनऊ के ट्रामा सेंटर में अभी इलाज चल रहा है। साथ ही दोनों की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।